अब हम लोग जनरल साइंस में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है हीट एंड टेम्परेचर। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एएलपी टेक्नीशियन और जेई में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर डेंसिटी बी मैक्सिमम। तो वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जब वाटर को हम लोग बॉयल करने लगते हैं या टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं तो वाटर क्या होता है, वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसका सरफेस वॉल्यूम जो होता है वाटर का वो बढ़ने लगता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो क्या होगा, डेंसिटी घटने लगेगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी घटेगा। आगे सुनिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस जितने दिए गए हैं या तो ऑप्शंस गलत हैं या क्वेश्चन गलत है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ऑप्शंस गलत है तो इसमें होना चाहिए था -40 डिग्री, जो के होता है -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 फ़ारेनहाइट के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन को गलत मानते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 45। कैसे आएगा, ठीक है वो देखते हैं। 95 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस, इसको 95 मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 95 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये 35 निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ये आता कहाँ से है, सुन लीजिए, तो C क्या है, डिग्री सेल्सियस है, F क्या है, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, याद रखना है ये आपको कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता है, F के जगह पे 95 पुट कर देंगे तो ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या रिलेशन है ये भी याद रखना है आपको, जैसे अगर डिग्री सेल्सियस के जगह केल्विन दिया हुआ रहता तो ये भी याद रखना है कि F-32/9 तो करेंगे ही, और डिग्री सेल्सियस के जगह केल्विन अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, K-273/5। ठीक है, तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 167 फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 167, बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, F के जगह पर कितना पुट करेंगे, 167, तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगला सुनिए, कन्वर्ट 372 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, यानी कि 372 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो कैसे करेंगे, ये जानना ज़रूरी है आपको कि डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करते हैं। ठीक है, 273.15 ऐड करते हैं। अगर यहीं पे केल्विन टू डिग्री सेल्सियस होता तो क्या होता, K-273 होता। ठीक है, यानी कि डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 373, तो 373 को ऐड करेंगे 273.15 से। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल जाएगा आपका, ये आंसर निकल जाएगा कितना, 645.15। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है तो इसलिए आपको दिमाग में बैठा लेना है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने पे हम लोग 273 जोड़ देते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस, तो 12 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का स्टेट क्या है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड। हम लोग जो वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि 0 डिग्री पे क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा। 0 से 100 के बीच में लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वो वेपर पे टर्न्स होने लगेगा। ठीक है, बदलने लगेगा वेपर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे रूम टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 298 के, यानी 298 केल्विन। अगर यही पूछ लेता व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्सियस स्केल पे क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखे थे कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में बदल जाता है, यानी कि 273 में से 25 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 298 आ जाएगा। अगर पूछ लेता फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। अब सुनिएगा कि रूम टेम्परेचर होता क्या है, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के लिए सुइटेबल हो, आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। ठीक है, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए जो सुइटेबल हो उसी को क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं, और वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, 77 फ़ारेनहाइट या 298 केल्विन।
व्हाट टेम्परेचर विल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शोज ए सिमिलर रीडिंग। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग बताता है, तो ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पता करने के लिए सही है कि नहीं है, इसको कैसे करेंगे, सी बटे 5 इज इक्वल टू एफ -32/9, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एफ़ के जगह -40 पुट करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एफ़ के जगह अगर -40 पुट करके देखते हैं तो सी का वैल्यू भी -40 ही आ रहा है, इसका मतलब दोनों का रीडिंग सिमिलर रीडिंग है। कौन से टेम्परेचर पे, -40 डिग्री सेल्सियस पे। ऑन विच वी गेट एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, हम लोग को एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब मिलेगा, तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर मिलता है हम लोग को अकर एट ए टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ याद रखना है कि -273 डिग्री सेल्सियस बोले या जीरो केल्विन बोले, ठीक है। यहाँ पे बहुत जगह आपको -273 केल्विन भी दिया हुआ रहेगा, तो याद रखना है -273 पे नहीं, जीरो केल्विन पे होता है और -273 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग अटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है, आप मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा आपका, -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल वो क्या होगा, मोशनलेस हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो हम लोग पहुंच सकते हैं। समझ में आया कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब पहुंच सकते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी उसका होगा ही नहीं मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर जीरो केल्विन, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम होगा ही नहीं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है और सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, टेम्परेचर रीचेज जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू। तो बोला गया है टेम्परेचर कब एब्सोल्यूट वैल्यू, जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू पे पहुंचेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि -273 केल्विन नहीं होता है, वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में होता है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, इन स्टेट ऑफ वैक्यूम ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही होगा, व्हेन द मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द सिस्टम डिक्रीज टू जीरो। तो अभी बताया कि मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाता है और मॉलिक्यूलर मोमेंटम भी जीरो हो जाता है, तो यही होगा आंसर, यानी कि डी होगा आंसर इसका, ठीक है। अगला सुनिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो बोला गया है कि अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, बताइए कि केल्विन स्केल पे कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे बदलते हैं, 273 ऐड करके, ठीक है। तो वही वाला करेंगे हम लोग कि 273 ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, यानी 78 में 273 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा, 351 हो जाएगा, 351, तो डी नंबर आंसर। टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट, तो बोला गया है कि डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो केल्विन छोटा होता है, तो केल्विन में क्या होगा, 273 ऐड होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऐड 273 टू द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। आगे सुनिए, ये एएलपी में पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जेई में पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछा गया, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर टेकन ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, वो वाला क्वेश्चन था डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, और यहाँ पे पूछा है केल्विन से सेल्सियस में, तो क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 क्या करेंगे, घटाएंगे, मस्ट सबट्रैक्ट 273, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लीजिए आप कि सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 ऐड करेंगे, और सॉरी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 ऐड करेंगे, केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे तो 273 माइनस करेंगे। वूलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म इन विंटर बिकॉज, तो हम लोग वूलन क्लोथ्स जो पहनते हैं विंटर में, हम लोग को वार्म क्यों रखता है, तो एक तो सबसे पहला कारण है कि वूल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कि ऊल क्या है, बैड कंडक्टर, यानी कि वो ऊल से क्या होता है, हीट इस पार से उस पार नहीं होता है, यानी कि आप जो कपड़ा पहने हैं आपके आपका अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उसके अंदर जाएगा ही नहीं, ऊल को क्रॉस करके उस पार जाएगा नहीं, इसलिए आपको बॉडी को ठंडा नहीं लगता है। और क्या होता है, आपके आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। और एक चीज़ सुनिए कि एयर जो है वो ट्रैप्स हो जाता है बिटवीन द फाइबर, बिटवीन इट्स फाइबर्स, ठीक है। तो एयर भी क्या होता है, वहाँ जाकर के फंस जाता है, और क्या होता है, दिस ट्रैप्ड एयर डज नॉट अलाउ हीट टू पास फ्रॉम आवर बॉडी इनटू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी से हीट जो है बाहर नहीं निकल पाता है, और
जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर था वही हमारे हमारे उलन क्लोथ्स का भी टेम्परेचर वही रह जाता है और वो हम लोगों को ठंडा लगने नहीं देता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ मेनली ड्यू टू द कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन इन। तो बोला गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीनों जो प्रॉपर्टी है, तीनों 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 का ट्रांस तीनों जैसा ट्रांसफ़र होना चाहिए वो कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा बॉयलर फर्नेस में। यानी कि बॉयलर फर्नेस में कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या है अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको पहले। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द, तो रेडिएशन जो है जैसे कितना रेडिएशन निकलना चाहिए तो वो किस किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टाइप ऑफ द सर्फेस ऑफ द बॉडी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी रेडिएशन किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये इसका फॉर्मूला ये बोल्ट्ज़मैन लॉ के द्वारा फॉर्मूला दिया गया था, वो होता है सिग्मा ई एक टी के पावर फोर। यानी टेम्परेचर का जो है डायरेक्ट रिलेशन है पावर फोर में, उसके बाद सरफेस एरिया है, एमिसिविटी भी है और आपका सिग्मा भी है जिसको स्टेफन बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एमिसिविटी क्या होता है, हर एक बॉडी का अपना अपना अलग अलग एमिसिविटी होता है, यानी कि नेचर ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड किया। उसके बाद सुनिए, ए क्या है, एरिया यानी सरफेस कितना है उसका, टाइप ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, एरिया कैसा है उसका, सरफेस एरिया। उसके बाद टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि सब पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो रेडिएशन नेचर ऑफ़ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ़ द बॉडी और सरफेस ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि नेचर ऑफ द बॉडी यानी कि अलग अलग बॉडी का अलग अलग इमिसिविटी होता है। ठीक है, द मेन रीज़न फॉर हीट ट्रांसफ़र बिटवीन फ्लूइड एंड गैस। तो फ्लूइड और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है कन्वेक्शन। तो मैंने बताया कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीन तरह का हीट ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जब सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है, जब फ्लूइड या गैसेज में हीट का ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन जब कोई मीडियम नहीं हो फिर भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। जैसे सूरज की रोशनी हम लोगों तक पहुँच रहा है बिना कोई मीडियम के, बीच में स्पेस भी पड़ता है, ठीक है, फिर भी जो सन की रोशनी रेज है वो हम लोगों तक पहुँच जाता है, तो वो किसके द्वारा आता है, रेडिएशन के द्वारा। रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड और गैसेज में जो होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। कंडक्टर इज सेड टू बी परफेक्ट इफ़ इट हैज़ जीरो फिनाइट इनफिनाइट यूनिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर को परफेक्ट कब बोलेंगे, जब उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, इनफिनाइट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी बॉडी परफेक्ट कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब जो हीट को लेकर के जाए, ठीक है, या करंट को लेकर के जाए, तो उसमें क्या रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इनफिनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, इट रिप्रेजेंट मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट, कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बोला गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट को कैरी करने का जो पोटेंशियल है सॉलिड मेटल में वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है या डिक्रीज करेगा, ये ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विल डिक्रीज। यानी कि जैसे जैसे थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा सॉलिड मेटल का, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड मेटल का, थर्मल कंडक्टिविटी घटेगा, यानी कि वो हीट को कम कैरी करके लेके जा पाएगा अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो सॉलिड में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन अगर बात करें इसकी गैसेस की, तो थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। ठीक है, सुन लीजिए एक बार कि थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड मेटल का इनवर्स रिलेशन में होता है टेम्परेचर के, लेकिन यहीं पे गैस की बात करें तो गैस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है टेम्परेचर का। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस का थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, आगे, ए हॉट बॉडी इम्यूलेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलनेस, व्हाट विल बी द बॉडीज टेम्परेचर एंड टाइम डायग्राम।
तो बोला है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलनेस या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के द्वारा ये बताइए कि बॉडी टेम्परेचर और टाइम डायग्राम जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा डी नंबर आपका। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है, वो डायरेक्टली कितना हीट लॉस करेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग पे, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लीजिए, ये वाला है फॉर्मूला उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू चेंज ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू ए लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोला गया है कि ऐसे को क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो है सॉलिड से लिक्विड में तो बदल रहा है लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफैक्शन, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट बढ़ा रहे हैं लेकिन सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ लिक्विफैक्शन। व्हाट विल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। तो हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन स्केल पे पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे 273 से ऐड कर देंगे उसको, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 373 हो जाएगा। इज ए सुपरफेशियल फेनोमेना, तो किसको सुपरफेशियल फेनोमेना बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इवापोरेशन। तो ये भी जान लीजिए कि इवापोरेशन जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और इवापोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बल्क में चेंज होता है, ठीक है, बल्क में चेंज होता है और उसका मॉलिक्यूल्स में कोई प्रभाव नहीं होता है, वो सिर्फ फेज चेंज करता है, ठीक है। तो इसको इवापोरेशन को सरफेस फिनोमेना भी बोलते हैं, और इवापोरेशन क्या देता है आपको, कूलनेस का फील कराता है। जैसे आप अगर धूप में बाइक रखे हैं तो आपका सीट गर्म हो जाता है, बाइक का जो सीट है वो गर्म हो जाता है, आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वो क्या करेगा थोड़ी देर बाद इवापोरेट हो जाएगा और वहाँ पर आपको ठंड महसूस होने लगेगा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ ए रेफ्रिजरेंट इज, तो बोला गया है कि क्वालिटी जो होना चाहिए एक रेफ्रिजरेंट का वो क्या होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए या कुछ भी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। तो रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता है कि एक जगह का टेम्परेचर को दूसरे जगह का टेम्परेचर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यानी कि हीट को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे रेफ्रिजरेशन में देखे ही होंगे आप लोग, ठीक है, कि अंदर में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है और बाहर की ओर गर्मी होता है, यानी कि वो उस जगह का टेम्परेचर को क्या कर, उस जगह का हीट को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, वही काम होता है आपका रेफ्रिजरेंट का। तो रेफ्रिजरेंट में क्या क्या खास बात होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होना चाहिए, बॉइलिंग लो बॉइलिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक हीट, हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, इतनी सारी खूबियाँ होने चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट में। रनिंग ए फैन इन द समर सीजन इज गिवन ए रिलीफ बिकॉज, तो हम लोग क्या करते हैं समर सीजन में फ़ैन चलाते हैं, उससे हम लोग को रिलीफ मिलता है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो स्वेट है यानी कि पसीना है वो एवापोरेट्स होता है, ठीक है, फैन के एयर से, और वही क्या देता है हम लोग को, ठंडक देता है, जिसकी वजह से हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, रिलीफ फील करते हैं। हीट ट्रांसफ़र टू एनी सिस्टम इज मेजर्ड इन, तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो किस में मेज़र करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा जूल, SI यूनिट तो जूल ही होता है, लेकिन अगर ये भी पूछ ले कि क्या बोलते हैं आपका CGS यूनिट क्या होता है, तो वो होता है अर्ग, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र को हम लोग जूल में नापते हैं या फिर कैलोरी में नापते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, और CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। और हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। स्टडी स्टेट हीट फ्लो मीन्स, स्टडी स्टेट हीट फ्लो का मतलब क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देयर इज नो टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द टू बॉडीज, द रेट ऑफ हीट फ्लो इज कॉन्स्टेंट, और हीट फ्लो इज नॉट बेस्ड ऑन टाइम। तो बोला गया है कि स्टडी स्टेट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो रेट होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, और देयर इज़ नो चेंज
इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, वही होता है स्टेडी स्टेट हीट फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आ गया. स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो पहले इंक्रीज करता है या पहले डिक्रीज करता है. डेंसिटी वाला अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे, वाटर का डेंसिटी वाला क्वेश्चन, तो ये वाला भी समझ में आएगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज. ठीक है, आप अब जब 0 डिग्री सेल्सियस से गर्म करते हैं उसको, तो वो क्या होता है, पहले उसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक, उसके बाद क्या होता है, वो अब डिक्रीज इंक्रीज करने लगता है. ठीक है, पहले डिक्रीज करता है उसके बाद इंक्रीज करता है. क्योंकि वॉल्यूम जो है वो किसका उल्टा होता है, वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी का उल्टा होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पहले वाले क्वेश्चन में. ठीक है, आगे सुनिए. तो यह है स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका, देखिएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो सबसे कम कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, ये वाला भी याद रखना है. और स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करता तो वो क्या होता है आपका, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है. द यूनिवर्स हैज़ टेंडेंसी टू एंट्रोपी, तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा बढ़ते ही रहता है. ठीक है, इज़ मैक्सिमम. तो एंट्रोपी एक्चुअल में होता क्या है, एंट्रोपी होता है मेज़र करता है रेंडमनेस को. ठीक है, जो जितना डिसऑर्डर में होगा उसका एंट्रोपी उतना ज़्यादा होगा. जैसे कि मान लेते हैं ये कि एक सॉलिड मटेरियल है, एक लिक्विड है, एक गैस है. तो सॉलिड का जो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो आपस में क्या होगा, उन सब के बीच में गैप बहुत कम होगा. लेकिन लिक्विड में क्या होगा, वो गैप ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिसऑर्डर होगा. और गैसेस में क्या होता है, और ज़्यादा गैप बढ़ता है और डिसऑर्डरनेस भी बढ़ता है. तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि गैस का जो एंट्रोपी होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली लिक्विड एंड सॉलिड के. ठीक है, इन थर्मोडाइनमिक सिस्टम द हीट बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन टू बॉडीज रीच इट. तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम में हीट बैलेंस कब अचीव कर सकते हैं, जब टेम्परेचर सेम होता है. तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर का ट्रांसफ़र हायर से लोअर की ओर होता है. तो जब टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. थर्मोडाइनमिक सिस्टम ऑफ हीट इज बैलेंस. ठीक है, तो सेम टेम्परेचर पे. तो यही चीज़ जीरोथ लॉ भी कहता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम व्हेन टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सो दैट देयर इज नॉट ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन द सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल हैव द लोएस्ट स्पीड फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो बोला गया है कि आपका इसमें से कौन सा स्लोएस्ट स्पीड में प्रोसेस होता है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इवापोरेशन. इवापोरेशन जो होता है वो स्लो बहुत स्लो होता है, और बॉइलिंग जो होता है वो इंस्टेंट होता है. जैसे बॉइलिंग पानी को गर्म करने के लिए देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होता है, बॉयल होने लगता है. तो बॉइलिंग जो है वो इंस्टेंट है, लेकिन इवापोरेशन क्या है, स्लो प्रोसेस है. इन थर्मोडाइनमिक्स जीरोथ लॉ स्टेट दैट. सो जीरोथ लॉ क्या कहता है, ठीक है, तो कहता है कि व्हेन टू सिस्टम आर इन हीट बैलेंस विद द थर्ड सिस्टम दे विल बी ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो दो सिस्टम जब थर्ड सिस्टम के साथ हीट बैलेंस में है या इक्विलिब्रियम में है, तो पहला वाला सिस्टम और दूसरा वाला सिस्टम दोनों ही क्या होगा, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड. तो इनमें से कौन सा थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है जिसमें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक बोलते हैं. ठीक है, आइसोबारिक में क्या होता है, आइसोबारिक में होता है आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट, और एडियाबेटिक में हीट कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट आपका जीरो होगा, आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, आइसोबारिक में
चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो बोला गया है कि सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंथैल्पी। एक्चुअल में इंथैल्पी होता क्या है ये समझिए। एक्चुअली इंथैल्पी क्या करता है, आपका किसी ऑब्जेक्ट का एनर्जी मेजर करता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास या उस सिस्टम के पास कितना एनर्जी है। जैसे बात करें स्टीम का, एनर्जी हमको नापना है, ठीक है, तो स्टीम के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारा जो कुकर होता है, कुकर का जो सीटी होता है वो स्टीम के वजह से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। कुकर का जो सीटी होता है वो स्टीम के वजह से ऊपर उठता है, तो स्टीम के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी था, ठीक है, उसी को क्या, तो यही चीज टर्म बतलाता है आपको एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या बतलाता है आपको, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी बतलाता है, ठीक है, एनर्जी को मेजर करने का एक तरीका है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी होता क्या है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, कुछ ना कुछ उसके पास इंटरनल एनर्जी होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसी को इस टर्म में लिखते हैं एच इज इक्वल टू, यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू ई यानी इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी को यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, यू या फिर ई से, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डू यू नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ ही कहता है कि ना ही एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है हीट एडिट टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडिट टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। वट वुड बी द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इफ द चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन, ठीक है। तो बोला गया है कि एंथैल्पी क्या होगा अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी दिया, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिया है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दिया है, तो क्या होगा। तो हम लोग अभी देखें कि क्या होता है, एच यानी कि इंथैल्पी जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब सुनिएगा कि हम लोग जानते हैं फॉर आइडियल गैस, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए पी वी इजिकल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है। तो पी वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब बात करें चेंज इन एंथैल्पी की, क्योंकि यहाँ पे बोला है चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी में बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आर तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो चेंज इन टेम्परेचर। अब आर क्या होता है, सी पी माइनस सी वी होता है, यानी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये अगर डेल्टी से दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी पी डेल्टी माइनस सी वी डेल्टी होगा, ठीक है। और डी यू जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सी वी डेल्टी, ठीक है। डी यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है सी वी डेल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी वी डेल्टी आ रहा है प्लस में और यहाँ पे आ रहा है सी वी डेल्टी माइनस में, तो दोनों कट जाएगा, तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो होगा सी पी डेल्टी के बराबर, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू चेंज इन टेम्परेचर, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। विच थर्मोडायनेमिक लॉ डिफाइंस एंट्रोपी, एंट्रोपी कौन सा थर्मोडायनेमिक्स लॉ है जो कि एंट्रोपी को एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ही एंट्रोपी को डिफाइन करता है और वो कहता है कि हमेशा जो एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम का वो हमेशा इंक्रीज ही करते रहता है, माने यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो क्या होता है, हमेशा बढ़ते ही रहता है, ठीक है। यही कहलाता है आपका सेकंड लॉ ऑफ, सेकंड लॉ कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो इतने ही सारे क्वेश्चंस थे हीट एंड टेम्परेचर से, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।